वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अब हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोचो अभी इधर में आया हुआ था इधर फाइल लेने फ्रैंकलिन की। इस अस्पताल में फ्रैंकलिन दाखिल था क्योंकि उसको जो गोली लगी थी उसकी सारी रिपोर्ट लेने आया था। उस गोली मेरे पास ही है। अब उसका पिस्टल मुझे नोटिस करना है, वो पिस्टल किसका था। अभी मैं जा रहा हूँ गैंग के बंदों के पास, उसी बंदे की तस्वीर दिखाऊंगा जो सीसीटीवी कैमरा के पुलिस के स्टेशन पे आया था जब माइकल और फ्रैंकलिन दोनों मेरे पास आए थे। अभी जाना पड़ेगा यार, फ्रैंकलिन की मोहब्बत सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे, वरना ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनको इसलिए लेके नहीं आया दोनों को साथ क्योंकि ये भी बड़ा मसला करते हैं ये लोग। ये भी चोर थे एकदम, एक दफ़ा ही अभी सुधरे क्योंकि इनके पास पैसा बहुत आ गया, बिजनेस लगाए हुए इन्होंने। ये क्या करें, चलते हैं, ये वहाँ हक बनता है ये पुलिस का कि ना शहरी की हिफाजत करें। अभी मैं जा रहा हूँ गेम के बंदों के पास। खुफिया अड्डे इधर होते हैं, जब भी मैंने ऑफिसर ज़्यादा बुलाए थे, मैंने अपने DSP को सारी कहानी बताई, उसने बोला ये ऑफिसर सारे लेके जाओ। तो अभी हॉर्न बजाना था कि ये जो भत्ता खोरे वो सारे बच जाएगी इधर में, क्योंकि डरते हैं लोग पुलिस से। एक दो बंदे को तो मारना शुरू कर देते ये लोग। अभी जाता हूँ, एक बंदे को बुलाना पड़ेगा, इधर ही हो गए, इधर ही होते गैंग वाले बंदे, उनसे जाकर जल्दी से मिलता हूँ, उससे पूछता हूँ ये कौन है। चलो यार, मैंने बुलाया था बंदे को सीटी मार कर, आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो बंदा दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीर दिखाओ। हाँ ये तस्वीर दिखा रहा हूँ ना आपको, ये बताएं ये कौन। अच्छा ये कहाँ मिलेगा, चलो सही है भाई, सही आपको पता नहीं उसी घर का, सही माइकल वालों साथ काम। ये लोग बोल रहे कि बोल रहा है कि माइकल वालों, माइकल जो सबसे बड़ा डॉन था 2013 के अंदर, और मतलब फ्रैंकलिन भी उनका बॉस था ये एक दफ़ा गया। तो जब ये इसकी मुझे तलाश लेना पड़ेगी कि इसी सारा दोबारा फसाद कर रहा है, तो उस वक्त के ज़माने में तो पुलिस का ऑफिसर बना ही नहीं था, मगर क्या करें, अल्लाह के हुक्म से मैं SHO ही बन गया। आप चलते हैं जल्दी से जल्दी, मेरा निशानदेही करता हूँ मैं पुलिस स्टेशन, सारी फाइल्स निकालता हूँ, जल्दी से जल्दी देखते रहेंगे आप वीडियो को। तो अभी मैं काफ़ी दिनों से परेशान घूम रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ सर पर हैं मेरे, और मैं क्या कर सकता हूँ, फाइट करूँगा तो पुलिस उनके साथ है यार, क्या करूँ, बस मैं परेशान हूँ। अभी मैंने एक तरकीब निकाली है इस परेशानी के अंदर कि मैं अपने लॉयर को बुलाऊँ, इनके ऊपर केस फाइल कर दूँगा मैं इनके ऊपर, इसके ऊपर होगा क्या आप देखते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, मैं लॉयर को कॉल करता हूँ। हेलो कब तक आओगे, जल्दी से जल्दी पहुँचना यार। हाँ आ रहा है यार ये, चल देखते हैं, इसका इंतज़ार करता हूँ मैं। चलो बाबा जी 15 मिनट बाद ही लॉयर आ गया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आ जाओ अंदर आ जाओ भाई। हाँ मेरा फाइल, हाँ इससे बात करूँ। हाँ भाई चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे, भाई साहब भाई साहब चाय पिला लो। चल सही है चाय पिला दो तुझे मैं। चलो यार चाय दे दी उसको मैंने, तो अभी लगता हूँ फाइलें ताकि इसको दिखानी है फाइलें, ताकि ये बताते हुए जल्दी से जल्दी कि क्या मसला चल रहा है, क्योंकि केस फाइल करवाना है मैंने इसके ऊपर। तो चलते हैं अभी हम लोग फाइलें भी लेने की तरफ। चलो हाँ वो चाय पी लो। चलो ये फाइलें आपको कंप्यूटर दिखाता हूँ पहले अपना मैं, ये है मेरा कंप्यूटर, ये रहा, इसमें बहुत सारे हार्ड ड्राइव लगी, सारी हैकिंग का डेटा वगैरह सब पड़ा है इधर मैंने, क्योंकि माइकल ही होशियारी जो करते जब मेरे साथ बंदे काम करते हैं, डॉक्यूमेंट कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ लगी पड़ी है। खांसी भी हो गई इनके चक्कर में, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, क्या करें बस परेशानी की हालत है बस। चलो अब बाबा जी इनको दे दी मेरा फाइल है ताकि जल्दी से जल्दी मेरा काम करके रहेगा। फाइल चेक कर ले भाई, जी चेक करूँ चेक करूँ। हाँ जल्दी चेक कर, तो बहुत देर कर रहा है यार। यहाँ पर बस रिकॉर्डिंग ऑन करो, जो भी बोले बताकर सारा हो जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ जी, भाई आपके हक में फैसला होगा, आपको पैसे मुंह मांग के रकम देना पड़ेगा। अरे बेफिक्र तो देंगे ना, बस उन चोरों को पकड़वाना है तूने, सही है।